गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 की मैथ अभ्यास मैथ सेकेंड अभ्यास 2 भी बताने जा रहा हूँ, जो कि हो चुका है, फिर से रिवाइज करते रहिए। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि सरल कीजिए, सरल मतलब आसान, इसको करना है। 3 × 7 × 3 × 8, ठीक। अब इसमें करना क्या है, जैसे जब हम गुणा करते हैं, जिसका जिसका आधार, जैसे यहाँ पे हो गया 3 × 7 × 3 × 8। अब इसमें आधार क्या है, घात क्या है, आधार देखिए, आधार क्या है, आधार और घात। तो आधार क्या है 3 और घात क्या है 7। आधार जब भी रहता है नीचे, जैसे आधार हो गया इसका, इसका ये आधार नीचे ना, तो आधार कितना है 3, घात कितना है 7 उसका ना, तो आधार 3 और घात 8 हो गया। तो जिस नंबर का आधार आधार सेम रहता है, जिस संख्या का आधार आधार सेम रहता है, तो घात घात जब गुणा होता है, गुणा जब करते हैं, तो जिसका आधार आधार सेम है, तो घात घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। भाग अगर है तो जिसका आधार आधार बराबर है, तो घात घात क्या करते हैं, घटा देते हैं, गुणा में जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। जैसे बताए थे कि यहाँ पे जैसे हो गया 3 × 4 × 3 × 5 / 3 × 9। आगे बस में 3 × 4 × 3 × 5 / 3 × 9। जब हम भाग गुणा करते हैं, तो आधार आधार जिसका सेम है, जिसका आधार आधार क्या है बराबर है, तब तो उसको जोड़ देंगे घात। और इसके बाद अगर माइनस भाग देना है, अगर भाग करना है, तो वहां पे घट जाएगा। जैसे यहाँ पे आधार आधार सबका 3 है, 3, अब यहाँ पे एक गुणा करना है, यहाँ पे 4, गुणा में जोड़ दिया जाता है 4 + 5, और यहाँ पे भाग है -9 हो गया, तो यहाँ पे 3, अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 × 4 कितना हो गया 9 - 9 बराबर कितना हो गया 3 × 0, क्या हो गया 3 × 0, इसका मान क्या होता है 1। 3 अगर कहीं 3 × 0 है तो उसका मान 1 होता है, अगर मान लो 3 × 1 दिया है तो इसका मान 3 होता है, ठीक। आगे बात समझ में, अगर 3 × 0 दिया है तो उसका मान 1 होगा, 3 × 1 दिया है तो उसका मान 3 होता है। आगे बात समझ में, अगला देखिए। अब इसको, इस क्वेश्चन को इसी तरह से, अब जिसका अभी तो इसका आधार आधार क्या था, सेम था, आधार आधार बराबर था, जिसमें घात घात बराबर होता है, क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 3 × 4 × 3 × 5 / 4 × 5, जिसका घात घात बराबर है, तो आधार आधार का गुणा कर लेंगे 4 × 12 / 5। आगे वसन में इसी तरह से हो जाता है। अगला देखिए इसमें क्या है, 3 × 7 और 3 × 8, आधार आधार सेम है, तो घात घात जोड़ देंगे, तो 8 × 7 = 15, मतलब 3 × 15, मान इसका नहीं निकालना है, बस इसी पे छोड़ देना है, 3 × 15 बार कितना गुणा करेंगे उससे मतलब नहीं है। अगला में है 6 × 4 × 6 / 2 / 5। अब क्या करेंगे, अब इसका ब्रैकेट बना लेंगे तब जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 घाते है, घात घात जोड़ेंगे, गुणा में जोड़ा जाता है, भाग में घटा देंगे, तो 4 + 2 - 5, तो घात इसमें क्या है 4 × 2 = 5, तो यहाँ पे 4 × 2 = 6, 6 में से 5 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 × 1, इसका मतलब आंसर कितना होगा 6, यही इसका आंसर हो गया। अगली बात सुनना, अगला दिया गया है 2 × 5 / 2 + क्या दिया है, +5 × 2 / 5 ना, 5 × 2 / 5। अब इसको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2
पांच घाते दो है, पांच घाते दो का मतलब पांच का दो बार गुणा, जैसे यहाँ पे पांच घात दो घाते चार दे दिया गया, इसका मतलब दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, मतलब दो का गुणा चार बार करेंगे, ऐसा मत कर देना कि दो इंटू चार बराबर आठ, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो अगला देखिए, अब इसमें क्या हो गया, दो पांच घाते दो है, इसका मतलब पांच का दो बार गुणा करेंगे, बीच में प्लस है उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पांच पांच, यहाँ फिर दो घाते पांच है, इसका मतलब दो का हम पांच बार गुणा करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच बार। अब यहाँ पे दो लिख देंगे, इसके बाद पांच में पांच का गुणा करेंगे, पांच में पच्चीस, पांच लिख दे लिख देंगे, फिर दो दो चार दो आठ दो सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस आ गया। अब यहाँ पच्चीस दुनी पचास, बत्तीस पच्चे, अब यहाँ देखिए पांच दुनी दस, जीवन एक पंद्रह पंद्रह एक सोलह, एक सौ साठ आ गया। अब पचास और एक सौ साठ जोड़ दिए तो कितना हो गया, दो सौ दस। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, दो बटा तीन घाते दो इंटू दो बटा तीन पावर थ्री, घाते तीन। अब इसको भी वही काम करेंगे जैसे उसमें करेंगे नंबर में, इसी तरह फ्रैक्शन में, यहाँ पे दो बटा तीन, अब इसको भी जोड़ेंगे, दो प्लस तीन बराबर पांच, मतलब यहाँ पे दो बटा तीन घाते पांच हो गया, टेंस कैंसिल हो गया। अगला है चार बटा नौ घाते तीन इंटू चार बटा नौ घाते चार भागे चार बटा नौ घाते पांच। अब इसमें जो इसका घात घात है उसको गुणा है, जोड़ेंगे भाग है घटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया तीन प्लस चार माइनस पांच, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, प्लस प्लस एक में चार तीन सात, सात माइनस पांच बराबर दो, और चार बटा नौ घाते दो, यही इसका क्या हो गया आंसर। आगे बात समझ में, जहां जिसको दिक्कत होगी बता देना। अब इसी तरह से होमवर्क दिया गया है, होमवर्क पांच घाते नौ इंटू चार घाते पांच घाते चार भागे पांच घाते आठ। अगला में है दूसरा तेरह घाते आठ इंटू तेरह घाते बारह भागे तेरह घाते बीस। अगला पच्चीस घाते सात इंटू पच्चीस घाते चार डिवाइड पच्चीस घाते ग्यारह। आई बात समझ में। अगला है ब्रैकेट में तीन बटा चार घाते दो इंटू तीन बटा चार घाते छह भाग डिवाइड तीन ब्रैकेट में तीन बटा चार घाते पांच। अगला में है पांचवा क्वेश्चन लास्ट, चार बटा पांच घाते दो इंटू चार बटा पांच घाते दस डिवाइड चार बटा पांच घाते आठ, ना यही इसका हो गया, यही होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा अच्छी तरह से, जहाँ नहीं आएगा फिर आप लोग पूछेंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।